व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक ऑन स्मोकिंग वायरस। गाइस आज हम स्टार्ट करने जाएंगे अपनी GTA 5 सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड, जिसकी स्टार्टिंग कर रहा है हमारा ट्रेवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज के साथ हमारा नेक्स्ट गेम पे, कमिंग अप नेक्स्ट ऑन स्मोकिंग वायरस। आई एम बैक। तो गाइस यहां स्टार्ट होता है हमारा आज का गेम प्ले, जिसमें ट्रेवर जो है अपने ही किसी मिशन पे जा रहा है, क्योंकि भैया ये स्टार्ट हो रहा है वैसे तो देखा जाए वेट के कज़न्स के घर से, बट अब इसको आप ट्रेवर का घर ही बोल सकते हैं। वैसे वेट का जो कज़न था उसके घर से भी नहीं है, यह है वेट की वेट के कज़न की गर्लफ्रेंड का घर, ठीक है। और यहाँ कुछ हुआ है पंगा, तो यहाँ होने वाला है एक लंबी भसड़, गंदी जगह जाने को बोल रहा है स्ट्रिप क्लब, ठीक है, जोई वाला स्ट्रिप क्लब जहाँ जोई को जाना बहुत पसंद था। और स्ट्रिप क्लब यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, बट आज भैया लॉस सैंटोस में बारिश हो रही है ज़बरदस्त, मतलब गाड़ी फिसल रही है अपने आप, हम कुछ करें या ना करें गाड़ी अपने आप फिसल जा रही है। तो कोई नहीं, हम थोड़ा देख के चलाएंगे आराम आराम से कि दिक्कत ना हो, गाड़ी ना फटे, एक्सीडेंट कम हो, बट उसमें हमारी थोड़ा हाथ कमज़ोर है। तो हम बिना कोई नया एक्सपेरिमेंट करें हम जाएंगे सीधा अपने स्ट्रिप क्लब, जिसको बोलते हैं हम नग्न आलय। वाओ, आई कैन राइट इन हिंदी साहित्य, ओ माय गॉड, आई कैन राइट इन हिंदी। भाई देखो ये रहा हमारा स्ट्रिप क्लब, जो पहुंच चुके हैं इसके बहुत पास, लेकिन जहां से ज़रूर कोई ना कोई लंबा मिशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इंट्यूशन जिसे बोलते हैं ना इंट्यूशन। और ये उससे पहले कहां रुक लिया भैया, एमुनिशन भैया, अब यहां पे खड़े खरीदी जाएंगी असला बारूद। तो भैया क्या ख़रीदना है, नहीं कुछ डंग का माजरा, ओह ये मिनी गन दे बेटा, भर 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 सब भर दे, सब भर दे सब, बस भाई बस। प्लैटिनम टिंट, ग्रीन टिंट, प्लैटिन, क्या है ये भाई, कोई ढंग गोल्ड टिंट है, बट हम क्यों खरीदे गोल्ड टिंट, हमें दूसरा वाला टिंट चाहिए, प्लैटिनम खरीद लिया है इसने। वाई ब्रो वाई यू बॉट प्लैटिनम टिंट, वाई भाई सब देख रहे हो, कॉम्बैट री कोई मार्क्समैन राइफल स्पेशल का भी मार्क्समैन राइफल, कौन सी हैवी शॉटगन, शॉटगन से अलग ही प्यार है हमें, रीज़न बिहाइंड दैट कि भाई शॉटगन एक बारी में बंदे को ना फिर उठने नहीं देती, ख़त्म कर देती है। अब पिंक टेंट ये लेगा, अब ले दिया, वाह शॉटगन पे पिंक टेंट, भाई ट्रेवर की शक्ल कैसी हो रखी है, ट्रेवर तो अलग ही लेवल बहुत लग रहा है। हमें चाहिए सुपर हैवी आर्मर, शक्ल अभी भी ठीक नहीं हुई, चाहे जो मर्जी कर ले शक्ल ठीक नहीं हो रही है। तो गाइस हमें जाना है असॉल्ट शॉटगन, चलो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, पहले तो स्ट्रिप क्लब तो जाना ही है, अरे टेस्ट तो कर दे भाई, भाई टेस्ट तो कर दे कम से कम। ट्रेवर अपनी ही अकड़ में है, ट्रेवर है गुस्से में, ट्रेवर को किसी ने मारा है, ट्रेवर तुमको किसी ने कालिख पोतते हैं, इसके मुँह में लालिख पोत भी है, ट्रेवर का मुंह पूरा लाल लाल हो रखा है, जैसे बंदर के लाल लाल होते हैं वैसे ट्रेवर का मुंह लाल लाल हो गया है। अब ये हमारे एक सर बोलते थे बेटा वहाँ से लाल कर दूंगा जहाँ से बंदर लाल होता है, तो आप खुद ही लगा लीजिए बंदर कहाँ से लाल होता है। भैया ये क्या हुआ, हम जैसे ही अपनी लोकेशन पर पहुँचे हम सोचो कि दूसरे करेक्टर में, और अपना दूसरा करेक्टर कौन सा है, माइकल लग रहा है ये मेरे को, हाँ भैया माइकल का घर ही है, हाँ ये माइकल भाई, इसके तो स्विमिंग पूल के बाहर स्विमिंग पूल बन गए। ट्रेवर जस्ट कॉल्ड अबाउट द यान लेस्टर पे द बिग वन द यूडी, यू नो एनीथिंग, यूनियन डिपॉजिटरी, ऑफ कोर्स आई एम डाउन, यूडी यूनियन डिपॉजिट, अरे ये वो बैंक है यार जिसकी गाड़ियां चलती है, मतलब एटीएम वाली गाड़ियां, ठीक है। सो अब माइकल को भी स्ट्रिप क्लब जाना है, और जो इनका मेन मिशन है, ये मिशन इसे पास बता रहे हैं बट ये मिशन पास नहीं हुआ, ये जस्ट एक स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। अब माइकल को जाना है स्ट्रिप क्लब, और उसका रीज़न है कि भैया हाई स्टार्ट होने वाली है बहुत तगड़ी, यूनियन डिपॉजिटरी जाना है,
और हमने अभी ये जो है आपका लॉस सैंटोस कस्टम इसलिए मार्क करा है क्योंकि हम वहाँ से उठाएंगे वो ढंग की गाड़ी, क्योंकि स्ट्रिप क्लब के बाहर सारे आते हैं लुच्चे लफंगे, वो हमारी गाड़ी चलाते हैं। और ये रिकी है वही बंदा जो हमें मिला था वीजल लाइफ इन्वेटर्स ऑफिस। चुच्चा सिंह बहादुर चल छिप हो जा। ये है चुच्चा सिंह बहादुर, फुकरे वाला चुच्चा सिंह बहादुर, उसने हमारे साथ काम करने के लिए स्टार्ट कर लिया है। तो ये वही है। अरे यार अभी ये एक तो इतनी बारिश में ये गाड़ियाँ चलती नहीं हैं ऊपर से। ये रहा अपना लॉस सैंटोस कस्टम्स, गाड़ियाँ खड़ी तो हैं भैया, कोई ढंग की गाड़ी मिल जाए। इन्फर्नस, यस दिस इज इन्फर्नस। ये गाड़ी वैसे पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, बट जब फुली ऑटोमाइज व्हीकल है तो क्यों ना ले हम। तो गाइस अभी से मार्क कर देते हैं हम जल्दी से स्ट्रिप क्लब को और चलते हैं सीधा यहाँ पर, ज़्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है, जैसा कि आपको मैप में दिख ही रहा है वे पॉइंट पे, इट्स जस्ट 0.9 miles। ठीक है, जो कि 2 मिनट में हो सकते हैं लेकिन ऐसी ड्राइविंग से तो ये 2 घंटे में भी नहीं होंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज यहाँ इतनी बारिश हो क्यों रही है, मतलब अंधी ही बारिश हो रही है यार आज तो। ड्राइवर के जो घर के पास की रोड है वहाँ स्विमिंग पूल बना, माइकल के घर के अंदर स्विमिंग पूल के बाहर स्विमिंग पूल बन रखा है। अबे चल क्या रहा है, बंद करो, चीट कोड का यूज़ नहीं करते तुम तो, बिल्कुल परेशान ही कर दोगे अब। अबे क्या ये बकवास करा रखे तुमने, अबे बारिश वारी बंद करो बे, सही नहीं है इतनी बारिश करवाना, एक्सीडेंट होते हैं बहुत, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, कोरोना फैल रहा है, तुम्हें चैन नहीं है, तुम बारिश करवा रहे हो। चलो खैर मरने दो इनको, ये हमारी बात सुनेंगे नहीं और चीट कोड हम डालेंगे नहीं, हमने ये किस्म खाई, हम चीट कोड नहीं डालेंगे भैया। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, लोकेशन बोले तो स्ट्रिप क्लब है लोकेशन, और ये है आगे है स्ट्रिप क्लब वनीला यूनिकॉर्न। नाम ही कितना गंदा है इसका, मतलब ओहो नाम जानता है हमारा छोटू, तू ही था जो भाग के आया था है। वेट तो यही गई, वेट की आवाज़ आ रही है भाई, भाई भाई कुछ गंदा गंदा बोल रहा था वेट अभी। यहाँ क्या है भाई, क्या चल रही है भाई इधर, भाई यहाँ बहुत गलत गलत, ये क्या है, ये तो मेरे को कुछ अलग ही फील दे रहे हैं। चाची 420 बना देगी यहाँ पे, ये करना क्या चाहते हो भैया, करना क्या चाहते हो भाई। यहाँ अंदर ही अंदर इतने रास्ते हैं स्ट्रिप क्लब के अंदर ही, और ये ऑफिस किसका है यहाँ पे, तो ये बड़े तमीज़ से खड़े हैं दोनों के दोनों, जैसे कि इन्हीं का होगा। तो भाई ड्राइवर निकल लिया है अपने ट्रक में, माइकल और फ्रैंकलिन जा रहे हैं माइकल की गाड़ी में इन ड्राइव टू द बैंक। बैंक यहाँ से आपको दिख रहा है वे पॉइंट पे कितना ज़्यादा पास है, सो आई एम नॉट गोना फास्ट फॉरवर्ड इट, यू नो व्हाई, बिकॉज मन नहीं कर रहा ब्रो, दर्द होता है बहुत वो डिलीट करने में ना, खेला है तो डाल देते हैं, अब क्या ही बोलें। ठीक है, अब हमें जाना है नीचे, ऊपर से जाना है, नीचे जाना है, नीचे ऊपर से जाना है भाई, यस मतलब रास्ता तो ऊपर से दिखा रहा है, बाकी पता नहीं, इसने बोला तो ऊपर से जाने के लिए था, ऊपर से ही है, यस येलो ब्लिप पे हम पहुंच गए हैं। बैंक एंट्रेंस देखनी है, यूनियन डिपॉजिटरी। भैया ये यहाँ का सबसे बड़ा बैंक है यूनियन डिपॉजिटरी, मतलब जैसे आरबीआई होता है ना भाई, जैसे आरबीआई बोलते हैं इंडिया, लॉस सैंटोस का आरबीआई है ये। स्कोप आउट द बैक एंट्रेंस। ठीक है, अब हमें यहाँ से पहले नीचे जाना है, यू टर्न मार के हमें दूसरे जाना बैक एंट्रेंस पे, जहाँ से इनके सारे एटीएम वाली गाड़ियाँ जो हरी हरी गाड़ियों को लूटते थे ना, और पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती थी, तो वो जो इनकी वैन से सारी वो वहाँ से एंटर करती हैं। तो हमें इनकी बैक एंट्रेंस को देखना है, वो है कि मतलब देख के हम करेंगे कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट अब देखना है तो देखेंगे। हो रही यहाँ से अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल कि इसको हम क्रैक कर सकें। अगर हम यहाँ से कुछ करने की कोशिश करते हैं यार, ये बंदा क्या है यार, ये मतलब सीरियस बात चल रही है, ये इसके अपने काम चल रहे हैं। और बताओ लेस्टर जैसा बंदा, एकदम दिमाग वाला बंदा वेट कर रहा है इसका,
एंड वे वी हैव टू गो नाउ, हमें बस उसके ट्रक पे बैठना है। मिशन हो जाएगा कितने पे? 13 मिनट, 13 वो अच्छा नहीं, टाइम बढ़ता जाएगा। तो गाइस हमें जाना है एयरफील्ड जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर, तो आपको पता है जल्दी से कैसे पहुँचा जाता है। मैं फटाफट से एयरफील्ड पहुँचता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस ये हम पहुँच गए हैं एयरफील्ड, यहाँ से हमें ऑब्वियसली यहाँ से कोई चॉपर उठाना होगा। गेट इन दी हेली, मतलब आज मैंने चॉपर बोले तो तुम हेलीकॉप्टर बोल दोगे। इतने चिरांद ने लॉस सैंटोस के लोग, इतने चिरांद बेचारे लेस्टर को तो इन्होंने लंगड़ाई कर रखा है। लेस्टर को तो पता नहीं क्या ही बना रखा है, लेस्टर बेचारा घूमता रहता है इनके साथ, पैसा सारा ये चाहते। पता नहीं लेस्टर को कितना कट जाता है, लेस्टर का कट कितना होता है इसमें। फ्लाई टू मरीरो हाइट्स, तो जल्दी से पहुँचने का आपको पता है इलाज कैसे पहुँचते हैं। मैं फटाफट से पहुँचाता हूँ अपनी लोकेशन के पास। तो भाई ये हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, हमें इन कॉन्वॉय का करना है पीछा। और एक कॉन्वॉय को पीछा करना इतना लंबा टास्क है ना कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं फटाफट से। तो भाई ये देखिए, बहुत ही तेज़ी के साथ हमने अपने हेलीकॉप्टर का जो ऊपर ये क्या बोलते हैं इसे ब्लेड्स हैं, इनके आरपीएम को इतना एडजस्ट करा कि हमने इसे कर दिया इतना फास्ट कि देखो गाड़ियाँ अपने आप तेज भागी इसकी हवा से। ये जो ब्लेड से हवा निकल रही है इसे ऐसा पुश मिल रहा है कि ये कॉन्वे बहुत तेज़ भाग रहे हैं। और हमें इन कॉन्वे का पीछे करते करते यूनियन डिपॉजिटरी तक पहुँचना है, जहाँ पर माइकल और फ्रैंकलिन पहले से ही वेट कर रहे हैं कि ये एंट्रेंस अंदर जाने का तरीका है क्या, जिससे एक हाइस्ट सेटअप होने वाली है गाइस, जो कि बहुत तगड़ी होने वाली है। यूनियन डिपॉजिटरी में चोरी होगी लंबी वाली ऐसी, जो कि पूरा लॉस सैंटोस याद रखेगा कि ऐसे भी चोराए थे। जो हमारा पहला मिशन था प्रोलोग, इसका जो पूरा चला था, जो इतने साल पहले एक बैंक रॉबरी हुई थी, सेम उससे तगड़ी रॉबरी इस बार होगी ये यूनियन डिपॉजिटरी की, जिसमें हमें बहुत सारे सेटअप करने होंगे पूरे, क्योंकि यूनियन डिपॉजिटरी एक बहुत देखा जाए तो यहाँ का आरबीआई है, ठीक है। और वो टनल में घुस गए हैं, तो टनल से तो हम उनका पीछा कर नहीं सकते हैं, सो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। वो निकल चुके हैं बाहर, हमें नीचे दिख गए हैं, निकल चुके हैं बाहर, हमें दिख चुके हैं, हमें बस अब ध्यान रखना है कि वो जा किधर रहे हैं, ठीक है, कि इधर आ गए ये रहे। और अब ये यूनियन डिपॉजिटरी के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो अब हम पंगेबाजी नहीं करेंगे इनके साथ, ठीक है। वी लेट देम गो, ये अपनी जगह पे जाएं ताकि माइकल और फ्रैंकलिन अच्छे से देख सकें, आप भी समझ जाएं कि यहाँ चल क्या रहा है पूरा मामला। अब यहाँ से मेरे हिसाब से ट्रेवर और लेस्टर इनको देखना बंद कर देंगे, और अब माइकल और फ्रैंकलिन की बारी आ गई। ये पहुँच गई हैं यूनियन डिपॉजिटरी, भैया इनकी चैट सुनना इज मच मोर इम्पोर्टेंट टास्क। 30 सेकंड पहले, भाई ये कितना टाइम का ध्यान रख रहे हैं ऐसे में, तो भाई मैं कभी तो मेरे को तो हमेशा बाहर कर देंगे ये। ये लोग 30 सेकंड्स तक का ध्यान रखेंगे, 30 सेकंड्स पहले इस कॉन्वॉय को पहुंचना था। सर्च फॉर द कंस्ट्रक्शन एंट्रेंस, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, एक एक तरीका तो इन्होंने अंदर घुसने का देख लिया कि यूनियन डिपॉजिटरी का कॉन्वॉय या ये जो इनकी वैन है ये पकड़ो और इसको लेके घुसो अंदर। और इसको लेके घुसने के लिए हमें इसका एक एम्प्लॉय चाहिए होगा या ऐसा कुछ चाहिए होगा जो रिकॉग्नाइज बंदा हो यूनियन डिपॉजिटरी का, क्योंकि उसके अलावा किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। या लेस्टर को कुछ दिमाग चला के अपने ऐसे कार्ड बनाने पड़ेंगे जैसे मिशन इम्पॉसिबल में हुआ था बेंजी जब घुस गया था इन मिशन इम्पॉसिबल 5। तो हमें कंस्ट्रक्शन साइट की एंट्रेंस देखनी है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट ये रही, ठीक है, यही है ना कंस्ट्रक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्शन साइट। अब हमें यहाँ देखना है, और जैसा कि आपको पता ही है हमारे हेलीकॉप्टर में से निकल रहा है धुआं, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर चलाना आता नहीं है अच्छे से, ठीक है। अब जल्दी से हम पहले ज़रा इसको कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा देते हैं। भाई यार ये कितना चिरांद है, अबे हमें लगा था ये कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट तो बैक में हो रही है इसके, हमें वहाँ जाना है। भाई यार ये पहले नहीं बता सकते, मतलब पहले ही मार्कर दे देते, मार्कर देने बेवकूफ़ से, हमने इतना ऊपर उड़ाया और अब नीचे देख रहे हैं इसके अंदर, तो भाई हमारा पूरा हेलीकॉप्टर घुस जाएगा। देखो भाई वी विल, जो भी है हमने ये वाला, तो ये वाला ऐसा तरीका होगा जिसमें सीधा अंदर जाओ, रश कर दो और चोरी करके भागो। हम ऐसा कोई तरीका नहीं चूज़ करेंगे, हम तरीका चूज़ वही करेंगे जो सेफ, जिसमें आधा कम से कम सामान लेके हम बाहर आ चुके हों, क्योंकि स्मार्ट ज़माना। एक्सपेंडेबल 3 भी देखी है आपने तो पता है स्टोन मैक्स को पकड़ने के लिए जब पहले वो जाते हैं, वो अच्छा तरीका था, वो बहुत अच्छा तरीका था, बट हो जाती है गलती, कोई बात नहीं यार,
उसमें गलती उनकी नहीं थी, वो जीपीएस उनसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बैठे थे। कोई नहीं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और हम ऐसे ही घुसेंगे, ठीक है। हमें बिल्कुल इसके फोकस पे लाना है। यार कितनी बदतमीजी है यहाँ पे। यस अब ये आ चुका है फोकस पे। लेस्टर ने पूरा देख लिया। चल बे चल, बहुत हो गया तेरा, अब इससे ज़्यादा ड्रामे नहीं देखेंगे हम तेरे। हो गया भाई, हो गया भाई। लेस्टर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। लेस्टर ब्रो, हो गया डन कम्प्लीट। ओके नियरली डन, हो गया हो गया हो गया। चलो हो गया भैया, हो गया। ऐसे ही बोल रहा, मजे ले रहा है। ये तो कर दिया इसने सब कुछ। गो टू द एयरफील्ड, में एयरफील्ड जाना है वापस। और वी कैन सेश टू माइकल, बट नहीं कर पा रहे क्या? ये क्या हो रहा है? कर, यस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब माइकल को कहाँ जाना है? टेक फ्रैंकलिन टू हिज हाउस। यहाँ पे मेरे हिसाब से फिर से मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और वी हैव टू रिपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री आफ्टर दिस मिशन। वी हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली टू गारमेंट फैक्ट्री फॉर प्लानिंग। He'll get us options. Yes. There's you, a guy I know. So अभी हम जल्दी से पहुंचते हैं पहले फ्रैंकलिन के घर। तो गाइस ये हम पहुंचने वाले हैं फ्रैंकलिन के घर। और हमारे इस मिशन का लास्ट टास्क यही था कि हमें फ्रैंकलिन के घर जाना था। हाँ ठीक है, अभी हमारा लेस्टर का एल्बलिप स्टार्ट हुई नहीं है। जैसे वो स्टार्ट हो जाएगी, वी विल मूव टू लेस्टर्स प्लेस, लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री। तो चलो गाइस, आज का गेम प्ले हम करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट गेम प्ले में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्मर्फिंग वायरस, और खेलते रहिए बिना किसी चीट कोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।